भाई। ड्राइवर गाड़ी लेके आओ। सबसे पहले अपने इस धरती को नमन करना चाहती, मसनंदपुर की इस धरती को नमन करना चाहती और इस धरती पर रहने वाले लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन करने के लिए आई। राज्य में किसान की जो स्थिति है, जिन किसानों के पास में 3-4 एकड़ जमीन है, वो किसान हमारे यहाँ बिहार सरकार के जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी है, उनकी जो आमदनी है, उनका जो आर्थिक स्थिति है, उनको जो सरकार पेमेंट करता है, आज हमारे यहाँ 3-4 एकड़ जो खेती करने वाले हमारे किसान हैं, उनसे भी इनकी आमदनी का स्तर जो है नीचे है। जय को की बेटा जन्म मन कोई को की बेटिया दूर न बेटिया काए काई खास करके हमें जे गीत गेलिए अभी ओहिमे गीत में की कहल गेलै, बेटा बेटी के जे छै से बराबर हिसाब से देखे के चाही माय बाप के। अब माय बाप जे छै बेटा के स्कूल भेज दे छै, बेटी के स्कूल नहीं भेजे छै। बेटिये कह रहल छै कि बाबूजी किया हमरा दुरंग नीति कर रहल छु हमरा साथ में, बेटा के स्कूल भेजे छु आ बेटी के नहीं स्कूल भेजे छु। आ एगो अगर औरत पढ़ल रही छै त कह छै पूरा घर परिवार पढ़ल छै। इस सरकार कहे छे कि अगर एक औरत पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ जाएगा, और पूरा गांव का अगर औरत पढ़ जाएगी तो पूरा समाज पढ़ जाएगा, पूरा राज्य पढ़ जाएगा, पूरा जिला पढ़ जाएगा। और एगो मर्द जे घर में पढ़ल लिखल रहे छथिन से जाए छथिन खेत में काम करे ले, सब लोग के सर्वे करे, यह बात करे खातिर मीटिंग रख लिए सब लोग के बीच में। चलो अमित, हमें उषा जी की आवास पे जाना है और अगर हमें लेट हो गई तो वो विधान परिषद चली जाएंगी। चलो चलो। उषा जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पटना में आकर? पता तो है ही नहीं, इसीलिए ना मान लेते हैं कि कल तक जो जैसे लिटरेसी मूवमेंट का जो वर्क हम कर रहे थे और उसमें जो संभावना तलाश रहे थे कि जो सब प्रॉब्लम लोग कहते थे खास करके गांव घरों में कि हमको इंदिरा आवास नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, सरकार ने स्कूल नहीं बनाया, सरकार ने चलने के लिए सही से सड़क नहीं बनाया, इस तरह की जो भी बातें लोग करते थे, तो वो सब जो निचले स्तर पर जो प्रॉब्लम हमको उस समय आता था काम करने के दरमियान में, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ रखने में एक संभावना हमको दिखा और उस हिसाब से जब हम यहाँ आए हैं तो जो बात हमको नीचे लोग कहते थे तो अब हम लगता है कि यहाँ हम उस बात को रख पा रहे हैं। और मेरे हिसाब से बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हल भी हो रहे हैं सरकार के स्तर पर। क्या फ़र्क मिला आपको बेगूसराय में जिला स्तर पर काम करने के बाद यहाँ पटना में राज्य स्तर पर काम करने? ऐसा है कि जैसे पहले जिला स्तर पर हम काम करते थे तो छोटे लेवल पर हम अपने प्रॉब्लम को हल कर पाते थे, जैसे वाइस चेयरमैन के पद पर भी हम वहाँ काम किए तो उसमें बहुत छोटे लेवल पर हम वर्क कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ है कि वहाँ एक जिले के कार्य कामों को हम देखते थे, अब यहाँ है कि नीतिगत कुछ ऐसे फैसले सरकार के स्तर पर करवाया जाए जो बिहार के में रहने वाले खास करके जो गरीब बच्चे हैं या जो बेरोजगार नवयुवक हैं या जो हमारी महिलाएं हैं। तो क्या लगता है आपको, आप यहाँ सफल हो पाएंगी? ये तो कहना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं तो आशावादी हूँ और शुरू से ही आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत ही संघर्ष करती रही हूँ और मैं कभी निराश नहीं होती किसी भी चीज़ से, और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो भी कुछ हम कर रहे हैं बहुत कुछ तो नहीं उपलब्धि हासिल हो सकती है, लेकिन नहीं तो भी हम नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि यही एक बड़ी है, यही एक सदन है जहाँ से हमारे पूरे बिहार के नीति परिवर्तन होंगे और फैसले होंगे। उषा जी, यही है उनका आवाज। अच्छा अच्छा में समय नहीं दे पाती हैं, लेकिन उनका परिवार है, बच्चे हैं, बच्चा पति कम है, हाँ। वो भी वो नहीं देख पाती हैं, तो आपको उस समय कैसा लगता है? बच्चा के दोनों के तो हम ही रखने देंगे बचपन से, खाली जन्म दल के हैं, लेकिन पैतपाल तो हम ही के लिए। उनके ससुराल के बारे में कुछ बताइए। ऐसे की तो कहानी मत पूछो, की बतबू अहाँके, ये तो कहानी बहुत, माने हम बेटी के शादी के लिए जबकि वो सपने में रहे तभी बच्चे में क्या देलिए, संपत्ति एकरा ससुर के बहुत रहे, वही देखने से हमरा के पास में वही समय में अकेले नहीं रहे, क्या देलिए शादी संपत्ति के देख रहे, तब संपत्ति देख के जब शादी कलूँ तो हमारे दामाद जे छे से काम लायक नहीं रहले, माने अब जानबे करे छे संपत्ति वाला के बेटा कैसन होइ छे, वही लायक रहले अभी तक वह लागे छे, माने सुधार नहीं भले। आप उषा जी को कहाँ देखना चाहती हैं आगे? इतने दिन तो ये चीज नहीं सोच लिए रहे, लेकिन अब ओकर लक्ष्य जहाँ तक जाए, भाग जहाँ तक जाए। उषा के शादी हम छठा सातवें क्लास में कर दिए, देखे कि बहुत पक्का का मकान है, ये सब है, ये सब सम माने पूरा माने जमींदार लोग है, 60 बीघा जमीन है, ये है, लेकिन जब हम शादी कर दिए तो हम सोचे कि हम अपने बेटी को हत्या कर दिया। ऐसा क्यों कहा आपने? इसलिए कि हमको दामाद उस ढंग से नहीं मिला, इसको परवश करने वाला नहीं मिला, ऐसा ऐसा घटना घटा है सर कि इसको अब मान लीजिए पेट में बच्चा है, दवा खिला दिया, मर रही है, हम राजरथ हॉस्पिटल में दो महीना लेकर के रखे इसको, दोनों प्राणी, कभी काला जर हो गया तो इसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, हम यहाँ से पैसा लेके जाते थे, इलाज कराते थे, तो हम कहे बेटी के तुमको कभी घबराने की चीज नहीं है, हम जब तक जिंदा हैं तब तक तुम समझ लो हमारा बाप है, बेटी हमको इतना ऊंचा शिखर पर ले आई ना कि हम अब सब भूल गए दुख, भूमिहीन थे, अकेले थे, माँ बाप नहीं थे, नाना नानी नहीं थे, कोई नहीं थे, तो हम सोचे शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हमको उस शिखर पर ले जाएगा। सरकार ने आपको ये गुरुतर जिम्मेवारी दी कि आप अपने समाज में काम करते हुए, आप अपने समाज में मेहनत करते हुए, आप अपने समाज को शिक्षित कीजिए। ये आप तमाम साथियों के बीच में कहने के लिए मैं आई हूँ, और आप भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के भविष्य को हमारे गुरुजन ख्याल रखें, ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग विधि से अपने विद्यालय में आप शिक्षण काम करें, ताकि हमारा अगर पढ़ा लिखा समाज अगर होगा, हमारे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा बकरी का उत्थान होगा। आपने मेरा स्वागत किया, आप तमाम साथियों को भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है आपका? जितना करीब रह करके ठीक चलता तो उतना दूर रह करके तो ठीक नहीं चल पाता है, और हम लोग के जब सामाजिक जीवन में आए तो थोड़ा सा प्राथमिकता भी निर्धारित करते हैं, क्योंकि जो लोग लोकतंत्र में इतने लोग पूरे उम्मीद के साथ वोट दे करके जिता करके भेजे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देखे, उसमें मेरा अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी अगर गड़बड़ है, हम खुद से बीमार भी हैं, तो जो पब्लिक मूवमेंट में लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो मैं कहती हूँ कि मैं सीरियस बीमार हूँ, हाँ कर लेंगे कि ठीक है आप बीमार हैं, आपको दवा ले लीजिए, डॉक्टर से दिखा लीजिए, लेकिन लोग का रहता नहीं, मेरा ये काम सुन लीजिए, कर लीजिए, कर दीजिए। जब आपके बच्चे आपसे नाराज होते हैं तब वो आपसे क्या कहते हैं? बस वो तो नाराज रहता तो एक दो दिन तक बोलता ही नहीं है मुझसे, वो एकदम कहता है मम्मी तुम्हारा कोई बात हम नहीं सुनेंगे, आप हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हम आपका बात नहीं सुनेंगे। अब उसको कभी बाजारे जाने का मन हुआ या कभी हमारे साथ में कहीं घूमने का मन हुआ, मेरे पास में वक्त नहीं है,
तो हम तो उसको वो नहीं मदद कर पाते हैं, तब वही बहुत गुस्सा में होता है, बोलता है हम आपसे बोलबे नहीं करेंगे। छोटा वाला वो बोलता ही नहीं है, एक दो दिन उसे रहता है, मेरे सामने में खाना नहीं चाहेगा, मेरे सामने में पढ़ना नहीं चाहेगा, बोले हम कुछ नहीं करेंगे, आप मेरी ही बात नहीं सुनते ही नहीं है तो हम आपका क्यों बात सुने। मुझे लगता है कि तीनों तरफ आपका परिवार बिखरा हुआ है, वहाँ देहात में आपके पति, यहाँ बेगूसराय में आपके माता पिता, बच्चे, वहाँ पटना में आप, इन सबके बीच आप काम कैसे कर लेती हैं? भीतर भीतर में मन में थोड़ा सा होता भी है, कभी कभी तो तकलीफ महसूस होता ही है कि ऐसा लगता है मुझको कि अब तो मैं फील्ड में इतना लोगों के लिए इतना काम कर रही हूँ और लोग इतना मुझको स्नेह प्यार दे रहे हैं, ठीक घर में आए तो पति का अच्छा व्यवहार नहीं और बच्चे का रूठना, तो थोड़ा देर के लिए तो मन में होता है कि अब हम इस स्थिति में कैसे आगे बढ़े नहीं बढ़े, तो कभी कभी मन तो खिंचलाता है, कभी कभी मन बहुत क्षुब्ध भी होता है, छोटा भी होता है। क्या वो कभी आपसे मारपीट वगैरह भी करते थे? गुस्सा तो प्रत्येक दिन हमेशा होता था, गुस्सा में तो कभी कभी खाना बंद कर देना, कभी घर से बाहर निकाल देंगे इसकी धमकी दे देना, कभी कभी तुमको छोड़ देंगे इसकी भी धमकी दे देना, ये सब तो हर हमेशा चलता ही रहता था। और उसी अनुकूल जो है हर घर में सा घर में तनाव होते रहता था, तो माँ पिताजी सास ससुर वहाँ जो हैं हमारे और हमारी बड़ी गोतनी उतनी है, वही सब हमको मदद करती थी, तो हम बाहर उहर निकल के तब हम काम करते थे। कभी कभी रात उत हो जाता था तो घर से भी बाहर निकलने, मैंने घर से ही बाहर रहो, तुमको अंदर नहीं आने देंगे, ये सब का पूरा ताना देना, ये सब तो बहुत चलता था। जब वो आपको बाहर निकल जाने के लिए कहते थे तब आप क्या करते थे? तो हम भी तनाव में आते थे, हम भी उनको बोलते थे क्यों यार मेरा घर नहीं है, हम चूँकि हमारे हस्बैंड कोई अस्थाई काम किए नहीं, अभी तक भी नहीं कर रहे हैं और शुरू में भी वो नहीं करते थे, तो मुझको एक थोड़ा क्लू था, मैंने उनको कमजोरी उनके अंदर जो कमजोरी था उसको लेकर के हम भी लड़ जाते थे कि आप खुद से काम नहीं करते हो, आप अपने बच्चे बाप पत्नी के लिए जिम्मेवारी आप निभाते नहीं है, तो हम खुद काम करते हैं, आप अगर करते तो हम नहीं करते, तो हम जब आप करते नहीं हैं तो हम करते हैं, तो हम भी पूरा एकदम तन जाते इसी बात को लेकर के कि हम कुछ पैसा उपार्जन करेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, खुद भी अच्छा से जिएंगे, जब मैं पढ़ी लिखी हूँ, हमारे पास में हर तरह का समझदारी है, तो हम क्यों नहीं काम करके खाएंगे, काम करना क्यों गलत बात है। तो उनका बस वही है कि देहात में रहते थे गांव में, तो अब किसी गैर मर्द से बोलना, इतने मर्दों के बीच में काम करना, जो हमारे समाज का उस तरह का बनावट है नहीं कि औरत जो है इतने मर्दों के साथ में काम करेगी, मर्द से बोलेगी, मर्दों के बीच में रहेगी, ये सब परिवार के यहाँ के कल्चर का वो है नहीं, तो इसलिए उस पर उनको हर हमेशा शक हो जाना कि गैर मर्दों के साथ काम करती है तो इसका कौन ठिकाना है, ठीक है कि नहीं है, कि किसी के साथ में इसका गलत संबंध होगा, क्या होगा नहीं होगा, यही सब बात लेकर के ज़्यादा करके उनका तनाव था। ये हमारी मझली गोतनी हुई, हाँ सबसे बड़ी एक गोतनी है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये है। नहीं मारपीट का कर, अब कभी कोनो बात लेकर के हो जाता था, कई गुस्सा करते थे भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा तो हो जाता था। नहीं अच्छा है, हमको बड़ी खुशी हुआ जो विधान परिषद में चले गए नीचे से लेकर ऊपर तक। और ये है कि थोड़ा सा ये व्यस्तता के चलते हम लोगों से मिल नहीं पाते हैं, हम लोग भी नहीं जा पाते हैं, बहुत समय निकाल कर भी आते हैं, हम भी जाते हैं मिलते हैं, बहुत कम समय मिलता है, हम भी काम में रहते हैं और वो भी व्यस्त रहते हैं काफ़ी, तो फ़ोन से बात होती रहती है, मोबाइल से महसूस होता है, अकेला पर महसूस होता है, पत्नी नहीं है, बच्चे अलग रहते हैं दोनों, थोड़ा सा वह क्या मेरे फादर इन लॉ से बड़ा थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा अथी रहता है, दूरियाँ रहता है, तो इसलिए हम भी बेगूसराय बहुत कम जाते हैं उनके यहाँ, वो तो है लेकिन थोड़ा सा मनमुटाव है वो लोगों से, तो वहाँ उनके घर पर बहुत कम जाते हैं, ज़्यादातर का वो मतलब वही माँ बाप के पास रहते हैं, तो इनका कहना कि जी हाँ मतलब आइए, थोड़ा सा दिक्कत है, लोगों को थोड़ा सा ट्रबल बुझाता है आपके आने से तो परेशानी बढ़ जाता है, इसलिए बहुत कम हम जाते हैं। पत्नी दूर होकर के अगर हमसे अगर देश सेवा कर रही है, सामाजिक सेवा कर रही है, तो उनके साथ हम भी साथ में हैं।
अमित, क्या इन महिलाओं को देखकर ऐसा नहीं लगता है जैसे ये एक जंग लड़ रही है अपने लिए, अपने समाज के लिए, ताकि सभी को जीने का और आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। बिल्कुल, और उषा देवी जैसी औरतें इसकी जीती जागती मिसाल। लेकिन उषा के लिए राह इतनी आसान नहीं रही। कदम कदम पर सामाजिक रूढ़िता, पुरुष प्रधान समाज के अहम से टकराना, संघर्ष करना, तब कहीं जाकर उसे उसका मुकाम मिला। सच कहूं तो इस टूर में आगे बढ़ने के साथ साथ मेरी सोच में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मैं ये महसूस करने लगा हूं कि मर्दों की मानसिकता बदले बिना औरतों को आगे नहीं लाया जा सकता। शायद पुरुष समाज में ये बदलाव महिलाओं के लिए शुभ संकेत साबित हो सकता है, लेकिन उसके पति का उससे अलग रहना, बच्चों से भी दूर, परिवार के प्रति उसकी उदासीनता, ये सब कैसे बर्दाश्त करती होगी उषा? शायद उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया है और यही वजह रही होगी कि वो साक्षरता आंदोलन से जुड़ी और इस मुकाम तक पहुंच गई, जहां समाज की दूसरी औरतें बेहिचक उस पर फक्र कर सकती हैं। तुमने देखा नहीं, अपने पति के हाथों अपमान और तमाम शारीरिक पीड़ा पाने के बाद भी वो अपने सास ससुर और ससुराल को पूरा सम्मान देती है, उनका आदर करती है, और बदले में उसे भी बहू का पूरा प्यार और सम्मान हासिल होता है। लेकिन उसका पति तो अपने अहम में फंसा रहा, उसने कभी भी उभरने की कोशिश नहीं की, और आज जब उषा इस मुकाम पर इतनी आगे पहुंच गई है तो उसके आगे पीछे मंडराने की कोशिश करता रहता है। हाँ, ताकि वो भी उसके रुतबे का सुख भोग सके। लेकिन ये याद रखना, उषा जैसी महिला अपने गांव, प्रखंड, जिला और अपने राज्य की सीमाओं को लांघकर पूरे देश को रोशन करने की क्षमता रखती है, और आने वाला वक्त इन्हीं जैसी महिलाओं का होगा। समीर कुमार, बड़ा होना तो यही है। आज तक हमको याद नहीं है, कम से कम 10-12 साल से आज तक हमको याद नहीं है कि हम आज तक एक बार भी अपने फैमिली के साथ संयुक्त रूप से 1-1.5 महीना कभी भी साथ नहीं रहे हैं। मेरे पापा गांव में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, या जब भी हम रहे हैं या तो नाना नानी के पास रहे हैं, बेगूसराय में रहे हैं या पटना में अभी भी रहे हैं। मेरा छोटा भाई नाना के पास रहता है, नाना नानी के पास ननिहाल में रहता है, मेरी माँ इधर उधर रहती है। तो खलता तो ही है मेरे पापा के थोड़ा सा लापरवाही की वजह से, मतलब एक तो मेरा परिवार बिखर गया, और दूसरा बात कुछ मान ली कुछ तकलीफ हुआ तो एक फ़ायदा भी हुआ कि मेरी माँ, यदि परिवार बिखर भी गया तो मगर मेरी माँ को आज घर से बाहर निकल के आज यहाँ तक पहुँची। हो सकता है यदि घर में रहती तो होम वाइफ बन के ही रह जाती हैं। तो कुछ खुशी भी है, कुछ तकलीफ भी है कि शायद हम लोग संयुक्त रहते तो आज देखिए आज हम पटना में रह रहे हैं अकेले। यहाँ हमको खुद अपना घर का पढ़ाई करना है, खाना वगैरह बनाना है, अपना देख रेख करना है, घर साफ सुथरा करना है, सब चीज़ हमको खुद करना है। यदि हम अपने परिवार के साथ रहते, मेरी माँ कम कम अपनी माँ का तो खाना बनाया हुआ खाना खाते हैं, या अभी भी मेरी माँ अभी भी आती है तो उसके पास इतनी थकी रहती है कि उसको वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कभी कभार जब छुट्टी में रहती है तभी वो मदद करती है, नहीं तो हमें को उनको खाना बना के खिलाना पड़ता है, या मान लीजिए उनका हर वगैरह काम करना पड़ता है। तो ये तो तकलीफ होता ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम अपने पटना में अकेले बीमार पड़ गए, अपने रूम में भर रात हम उल्टी बाथरूम से परेशान रहे हैं, पूरे कमजोर हो गए। मेरी माँ मीटिंग में थी, वो आ नहीं सकी। आपने अपने पिता को समझाने की कोशिश नहीं की? हम कई तरह से अपने पापा को समझाएं कि कुछ काम कीजिए, कम से कम नहीं तो मान लीजिए कम से कम अपना तो मेंटेनेंस कर ही सकते हैं ना, अपने घर का मेंटेनेंस कर सकते हैं, अपना तो अपने लाइफ स्टाइल को तो बेहतर कर ही सकते हैं ना। तो हमको बार बार हमेशा प्यार से समझाते थे, दुलार से समझा, हर तरह से हम उनको समझाने की कोशिश किए। फिर हमको लगा कि हो सकता है कुछ नाराजगी से या कुछ डांट फटकार से यदि बात मान ले, उनको लगेगा कि मेरा बेटा को शायद हमसे खुश नहीं है, तो इसलिए के हो सकते हैं कि वो सुधर जाए। फिर हमको लगा कि मेरे आस पड़ोस के मेरे दादाजी बोलने लगे, मेरे चाची वगैरह सब बोलने लगे कि
मुनु का कैसा संस्कार मिला है नाना नानी से, को अपना फादर को नज़र दिखाता है या उनको अभद्र बोलता है। तो हमको लगा कैसा लगा कि शायद मेरे ऐसा करने से, हम तो कुछ और चीज़ सोच के अपने फादर को कर रहे हैं कि शायद उनको समझ में आ जाए, मगर यदि अब मेरे कैरेक्टर पे, मेरे चरित्र पे यदि लोग उंगली उठा रहा है तो उससे अच्छा है कि हम इस चीज़ को छोड़ दें। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे कोई भी काम से मेरे नाना नानी को या उनके परवरिश को लोग ताना मारें। हम लोग जैसी जो औरतें काम करती होगी वो ना अपने पति को खुश रख पाती होगी ना अपने बच्चे को खुश रख पाती होगी। मैं मानती हूँ कि हाँ, मैं ऐसे पोस्ट पर हूँ कि मेरे पास में ताकत है, हमारे पास में पैसा है, हमारा पूरा पहचान है, लोग मुझको सम्मानित करते, ये हर कुछ सुख उनको अनुभव हो सकता है। लेकिन एक पति का कि मेरी पत्नी मुझको कपड़ा साफ करके देती, खाना लाके आगे में देती खाने के लिए, मेरे साथ हंसती बोलती हर वक्त गुजरता, वो तो उनको नहीं हो पाता है। तो वो तो कमी खिलेगा ही, वो कोई भी पत्नी नहीं कर सकती है जो हमारे स्थान पर काम कर रही होगी ईमानदारी से। अगर केवल राजनीति में आकर के केवल पैसा कमाना है बैठ करके तो वो हर सुख कर देगी, लेकिन अगर वो राजनीति में आकर के समाज के लिए अगर निष्ठा भाव से सेवा करेगी तो वो अपने परिवार की सेवा नहीं कर सकती है। क्या सोचती हो हिमा, साक्षरता ने ऊषा सानी को क्या दिया है, उसे इस अभियान से क्या हासिल हुआ है? साक्षरता ने उसे शब्दों से खेलना भी सिखाया। वो सभाओं में जिस तरह से अधिकारियों पर बाण चलाती है, जो जनताओं की योजनाओं को उन तक पहुंचने में लेट लतीफी करते हैं। हाँ, अरे उस दिन तो वो मुझे बहुत आक्रामक लगी थी, उसके बोलने का तरीका भी बड़ा अद्भुत था। वास्तव में बेहद जहीन महिला है उषा, वो सभी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनती है, समझती है, शायद यही उसकी सफलता का राज है। ऐसा नहीं कि मंजिल के इस पड़ाव पर पहुंचकर उसने साक्षरता अभियान को भुला दिया हो, वो आज भी अपना ज्यादा समय बेगूसराय साक्षरता अभियान में ही बिताती है। उषा जैसी महिलाओं के नेतृत्व में ये आंदोलन बेगूसराय में एक पौधा बना है और एक वट वृक्ष बनाने के लिए वो उसे अभी भी अपने योगदान से सींच रही है। तो बेगूसराय राजनीतिक चेतना की दृष्टि से बिहार का अव्वल जिला है, राजनीतिक चेतना वहाँ बहुत अधिक है, और राजनीतिक चेतना की वजह से और वहाँ जो राजनीतिक स्तर रहा राजनीतिक दलों का, विशेषकर प्रभावित रही वहाँ की जनता वामपंथियों से। स्वाभाविक है कि गरीब लोग आए, उनमें चेतना आई, उनको कुछ शिक्षा मिली, वो आगे बढ़े, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में आ रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यों में आ रहे हैं, अच्छी बात है। इसलिए अन्य जिलों से वहाँ की स्थिति भिन्न है। जहाँ तक श्रीमती उषा सहनी के की सदस्यता में और यहाँ जो कार्य करते हैं उसका प्रश्न है, वैसे तो वो आती हैं वामपंथी दल से, लेकिन विशेषकर इनका जो प्रश्न है, ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं या वाद विवाद है, बहस में भाग लेते हैं, तो प्रायः सभी विषयों पर उनका ध्यान रहता है और अच्छा कर रहे हैं। पहले पहल आई हैं इस सदन में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। नए सदस्यों में क्या, पुराने सदस्यों में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतनी दिलचस्पी रखते हों। तो यहाँ तो दिलचस्पी रखने का, जितना समय आप दीजिएगा, जितना काम कीजिएगा, उतना अच्छा कीजिएगा, तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सामाजिक चेतना का मतलब होता है कि हम आते हैं यहाँ प्रतिनिधि बनकर, तो एक तो प्रतिनिधि हम हुए उस समाज के, जो समाज हमें यहाँ भेजता है, और उसी समाज से जुड़ा हुआ दूसरा समाज भी है। और जब हम यहाँ आते हैं तो हम केवल बेगूसराय के नहीं होते, हम केवल पटना के नहीं होते, हम पूरे बिहार के होते हैं, और हम केवल एक दल के नहीं होते, समग्र रूप से विकास और चेतना की बात करना ये उद्देश्य होता है हमारा। वह दृष्टि उषा सहनी में है, व्यापक दृष्टि है, समाज के प्रति इनका रुख अच्छा है, बहुत ही संवेदनशील महिला हैं और अपना कार्य अच्छी तरह से करती हैं, अपना दायित्व जानती हैं, समझती हैं। हमारी महिलाओं को सम्मान आज भी नहीं मिल रहा है, ये सारे सपने हम लोग के बीच में अधूरे हैं।
इसीलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं आप लोग के बीच में संकल्प लेने के लिए आई हूँ, उनको पूरा करने का, उनको और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का मैं संकल्प लेती हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हुई।